मैं आपको एक और शानदार क्वेश्चन बता रहा हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 12। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो रेखाओं की दिक को जाए निम्न संबंधों द्वारा दी गई है, ये दो संबंध रेखा आपको, एक ये और एक ये, और कह रहा है कि इन संबंधों के द्वारा आप एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, दोनों रेखाओं की दिक को जाए ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एल माइनस फाइव एम प्लस थ्री एन बराबर जीरो, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, और ये सेवन एल स्क्वायर प्लस फाइव एम स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके पास सेकेंड है। ओके, हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, एल की वैल्यू इधर आ जाएगी फाइव एम माइनस थ्री एन, ये माइनस का इधर जाके प्लस का और थ्री एन इधर जाके माइनस का, समीकरण एक से मैंने एल की वैल्यू निकाल ली। पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन सेकंड, एल का मैंने जो मान निकाला है इसको मैं समीकरण दो में रख देता हूं। ओके, सेवन फाइव एम माइनस थ्री एन, ये एल का स्क्वायर है तो ये एल की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फाइव एम स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर बराबर जीरो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 25 m² प्लस 9 n² माइनस 30 mn प्लस 5 m² माइनस 3 n² बराबर जीरो। सेवन से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 175 m² प्लस 63 n² माइनस 210 mn प्लस 5 m² माइनस 3 n² बराबर जीरो। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर की दो वैल्यू है, एक तो 175 m² आ गया, एक 5 m² आ गया, इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो कितना आ जाएगा 180 m², फिर देखो माइनस का 210 mn, 63 n² में से 1 n² 3 n² माइनस हो जाएगा तो 60 n² मेरे पास बच जाएगा। इसमें से कॉमन मेरे पास 30 आ रहा है, 30 कॉमन होगा तो 186 में से इधर आएगा 6 m² माइनस 7 mn, 30 कॉमन होगा तो इधर 2 n² बराबर जीरो। ये आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो, जब मैं 30 को कॉमन लूंगा तो 30 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 m² आ जाएगा, ये 7 mn आ जाएगा और ये 2 n² आ जाएगा, 30 इधर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास जो इक्वेशन है इसको हम आगे देखते हैं। देखिए ये 6 m² माइनस 7 m प्लस 2 n, इसको मैं इधर देखिए 6 m² माइनस 7 mn प्लस 2 n² बराबर जीरो। इसके जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो यह आ जाएगा 6 m² माइनस 4 mn माइनस 3 mn प्लस 2 n² बराबर जीरो, बिकॉज 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, तो 6 2 12 4 3 12, और 4 और 3 को मैं जब माइनस 4 माइनस 3 को मैं प्लस करूंगा तो माइनस 7 आएगा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इनमें से कॉमन क्या आया, 2 m कॉमन आया, इधर आ जाएगा 3 m माइनस 2 n, इसमें से माइनस एन को माना जाएगा 3 m माइनस 2 n बराबर जीरो, इन दोनों में से 3 m माइनस 2 n कॉमन, 2 m माइनस एन बराबर जीरो, 3 m माइनस 2 n बराबर जीरो और 2 m माइनस एन बराबर जीरो, तो इससे 3 m बराबर क्या आ जाएगा 2 n, इससे 2 m बराबर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। देखो ये यहां पर जो है क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हम m और n की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो इससे मेरे पास दो रेशो आएंगे, देखो इससे m और n का मेरे पास रेशो आया 2/3 और इससे m और n का मेरे पास रेशो आया 1/2, इन दोनों रेशो को लेकर मैं क्या करता हूं l की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। ओके, आगे देखते हैं कैसे करेंगे सवाल। देखो आपके पास दो रेशो आ गए, एम और एन का रेशो आया 2/3 और 1/2, हम एक एक रेशो को लेकर एम और एन की वैल्यू निकालेंगे। देखो जब एम अपॉन एन बराबर 2/3 तो माना
m बराबर 2a, n बराबर 3a, ओके। मैं पहले ये रेशियो ले रहा हूँ, ये रेशियो लेके कंप्लीट LMN की वैल्यू निकालूंगा, फिर ये रेशियो लेके कंप्लीट LMN की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। जब m अपॉन n 2 बाई 3 आ गया तो m का मान 2a ले लिया और n का मान 3a ले लिया, ठीक है। हमारे पास देखो ये इक्वेशन है, ये l की इक्वेशन कितनी है 5m माइनस 3m, तो इसको मैं आगे लेके सोल्व करूँ। एल हमारे पास है 5m माइनस 3m, m बराबर 2a व n बराबर 3a रखने पर, ठीक है, l बराबर क्या जाएगा 5 2a माइनस 3 3a, मैंने m की वैल्यू 2a और n की वैल्यू 3a रख ली, और ये वैल्यू मेरे पास कहां से आई, ये फर्स्ट रेशियो इससे आई मेरे पास, तो l की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10a माइनस 9a, तो l की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a। हम जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये वैल्यू हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिक्कोजों के वर्गों का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसमें मैं LMN की वैल्यू रखूंगा, LMN के मान रखने पर, मान रखने पर L का मान कितना है a स्क्वायर, n का मान कितना है 2a का होल स्क्वायर, और n का मान कितना है 3a का होल स्क्वायर बराबर 1। देखो L का मान तो a है, और m का मान कितना है 2a है, और n का मान कितना है, n का मान 3a है, ये रखता तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बराबर 1, ये 14a स्क्वायर बराबर 1, तो a स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14। L M N मेरे पास है a 2a और 3a, तो a की वैल्यू रखने पर, a का मान रखने पर L की वैल्यू तो आ जाएगी प्लस माइनस मतलब अपॉन 14, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 14, और n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 14, ठीक हो जाए आ जाएगी। अतः एक रेखा की दिक्कत है, एक रेखा की दिक को जाए, एक रेखा की दिक को जाए हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1 बटा रूट 14 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 14 और प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 14, ओके। अब आगे देखो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, ये मेरे पास इस रेशो से आई है। मेरे पास पहला रेशो था m अपॉन n 2 बाई 3, अब मेरे पास सेकंड रेशो है m अपॉन n 1 बाई 2। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं इस रेशो के हिसाब से दोबारा फिर करूंगा, तो आपका ये पूरा का पूरा दोबारा फिर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो देखो जब m अपॉन n 1 अपॉन 2 है, तो माना m बराबर b, n बराबर 2b। इसमें मैंने b ले लिया, पहले वाले में मैंने a लिया था, ठीक है। चूंकि l अपने पास क्या है 5m माइनस 3n, तो l बराबर कितना हो जाएगा 5, मैं m की वैल्यू रख देता हूं b माइनस 3 2b। अब देखो m की वैल्यू मैंने b रख दी, n की वैल्यू मैंने 2b रख दी, तो यह जाएगा 5b माइनस 6b, तो l की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास माइनस b आ गई, तो l मेरे पास आया माइनस b, m मेरे पास आ जाएगा b, n बराबर क्या है 2b। हम जानते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, इसमें मैं LMN की वैल्यू रख देता हूं, तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर 1, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 1, ये है 6b स्क्वायर बराबर 1, और b स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन 6, देन b बराबर कितना देगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6। आप देखें L M
पास क्या रखे हैं, माइनस बी, बी और टू बी, तो बी का मान रखने पर यहां पर क्या रखेंगे हम, बी का मान रखने पर बी का मान क्या प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स, अतः एल एम एन क्या जाएगा, एल एम एन बराबर है, देखो ये माइनस है ये प्लस है, मतलब इन दोनों के साइन जो है अलग अलग है, तो ये प्लस माइनस मैं इसके लिए लूंगा तो इसके लिए माइनस प्लस ले लूंगा, जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, तो ये जगह माइनस प्लस वन अपॉन रूट सिक्स, ये एल के लिए हो गया माइनस था, और ये जगह प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स एम के लिए हो जाएगा, और प्लस माइनस टू अपॉन रूट सिक्स ये एन के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये एक आंसर आ गया, एक दिक्कत हो जाए तो मेरे पास ये आ जाएंगे माइनस प्लस वन अपॉन रूट सिक्स, प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स और प्लस माइनस टू अपॉन रूट सिक्स, इसमें मैंने बी की वैल्यू रख दी, ओके बी की वैल्यू मेरे पास ये थी प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स, ठीक है, और एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस वन अपॉन रूट फोर्टीन, प्लस माइनस टू अपॉन रूट फोर्टीन, प्लस माइनस थ्री अपॉन रूट फोर्टीन, ये मेरे पास एक रेखा की दिक्कत ये आ जाएंगी और एक रेखा की दिक्कत ये हो जाएगी, और ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपकी बार ट्वेल्थ बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। कौन है इसको दबाओ, चलो।